अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। हाजिर एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में जो है ना, हम बात करने वाले हैं CCCM सी लाइन के बारे में, जो कि आप लोग इस्तेमाल कर सकेंगे डिश टीवी, एयरटेल HD और उसके अलावा वीडियोकॉन और मल्टी सेटेलाइट के लिए। आज जिस पैनल की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें आप लोग इसको अनलिमिटेड अपने लिए सी लाइन बना सकते हैं, वो भी बगैर किसी दिक्कत के। सिंपली आप लोगों ने यहाँ पर जो है ना कुछ ऐसा ट्रिक इस्तेमाल करना है कि आप अपने लिए रोज़ाना की तौर पे, मतलब यहाँ से आपको 24 घंटे के लिए सी लाइन मिल रहा है CCCM, तो आप लोग कैसे जनरेट कर सकते हैं। ये तरीका मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूँ और आप लोगों को मैं बताऊँगा कि कैसे आप लोग इसको कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्टिंग ज़रूर करूँगा कि अगर कोई नया बंदा मेरे चैनल पर आ रहा है और मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्टिंग करूँगा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर लाइक पसंद आती है वीडियो को तो लाइक भी कर लीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी, हौसला अफजाई हो जाती है हमारी। तो दोस्तों, इस वेबसाइट यानी इस पैनल में आप लोगों को जो है ना, जो कि 4kCCCM.com है, इसमें आप लोगों को ना, जो मैं आप लोगों को जो है ना जो बता रहा हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों को स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूँ कि इस पे आप लोग जाना है, इस वेब पैनल एड्रेस पे। वहाँ पे जाने के बाद आप लोगों ने सिंपली रजिस्टर पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप लोग रजिस्टर पे क्लिक करते हैं तो आप लोगों ने यहाँ पे रजिस्टर हो जाना है। रजिस्टर किस तरह होना है कि आप लोगों ने उसमें फिल कर लेना है अपना यूज़र नेम, पासवर्ड, और उसके अलावा जो सिक्योरिटी कोड जो भी मांग रहा, और ईमेल एड्रेस आप लोगों ने देना है। आप लोगों ने उसमें जो है ना रजिस्टर हो जाना है। उसके बाद आप जब रजिस्टर हो जाएंगे, उसके बाद आप लोग लॉगिन पे आ जाएं, और वहाँ पे जाके आप लॉगिन हो जाएं। जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो आपके पास डैशबोर्ड आ जाएगा, वहाँ पे कुछ आप लोगों को न्यूज़, कुछ न्यू अपडेट्स मिलेंगे CCCM के बारे में, वो आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें, और नहीं पढ़ना चाहते तो नेक्स्ट आप लोग जाएँ मैनेज जो अपना सी लाइन होता है उसमें, वहाँ पे जाके आप लोग व्यू टेस्ट लाइन पे क्लिक कर लें, और उसमें आप लोग के सामने बहुत सारे ऐसे CCCM सी लाइन आ जाएंगे जो कि मल्टी सेटेलाइट के लिए होंगे, और उसके अलावा वीडियोकॉन, एयरटेल, डिश टीवी और वीडियोकॉन के लिए भी आपको यहाँ से CCCM सी लाइन मिल जाएगा। और दोस्तों, इस वेबसाइट की कोई मैं एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं कर रहा हूँ, ये जस्ट आप लोगों को मैं एक तरीका बता रहा हूँ। अगर आप लोग सी लाइन लेना चाहते हैं, टेस्ट लाइन आप लोगों को मिलेगा यहाँ से, अगर मेरी तरह कोई गरीब सा बंदा हो जो मतलब कि बाय नहीं कर सकता मंथ के लिए या साल के लिए जितना भी हो, तो उसके लिए ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ। जस्ट आप लोग इस तरह कर सकते हैं, आप लोग बार बार इसमें रजिस्टर होंगे किसी और ईमेल एड्रेस से, जैसे कि आप लोग साथ साथ में आप लोगों को यहाँ पे दिखा भी रहा हूँ, तो किसी भी वेबसाइट सॉरी ईमेल एड्रेस से आप लोग, या जीमेल एड्रेस से, जिससे भी आप लोग इसमें बार बार रजिस्टर हो, उसके बाद लॉगिन हो, और जब भी आपका दिल करे तो वहाँ से आप लोग अपने लिए टेस्ट लाइन जनरेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक और अपडेट दे दूँ कि जो डिश TV है वो अभी खुल चुका है, और सम चैनल जो है ना वर्किंग स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे कि सितारा चैनल, आप इस जो ये पैनल है इससे जो स्कैम ले रहे हैं उससे भी आप लोग चेक कर सकते हैं कि वाकई ये जो 17 चैनल ये बता रहे हैं, क्या ये वाकई चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, और आप लोग चेक कर लें, और मुझे नीचे कमेंट में आप मुझे बता दें कि अगर आप लोग के पास ये चल पड़ा है तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि इससे मज़ीद आप लोगों के अच्छे अच्छे अपडेट दे दूँ, ताकि आपको आपकी बेहतरीन रहनमाई हो। तो दोस्तों, जो है ना, आप लोग यहाँ से इस तरह बार बार जो सी लाइन है वो ले सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है। और फिर भी कोई मसला आप लोगों के लिए आ रहा हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में कांटेक्ट कर सकते हैं, और कुछ कोई भी सवाल आप लोग पूछ सकते हैं। और टेक से रिलेटेड चैनल है तो यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को डिश के बारे में या फिर सी लाइन के बारे में अपडेट नहीं मिलेंगे, बहुत सारे अपडेट मिलेंगे, जैसे कि किसी अगर मोबाइल में कोई दिक्कत हो, या फिर आपकी रिसीवर में, या आपकी PC में, चाहे किसी भी या सॉफ्टवेयर का कोई रोल हो, तो आप लोग जो है ना मुझसे रابطہ कर सकते हैं, नीचे कॉन्टैक्ट बॉक्स में आप लोग मुझसे रابطہ कर सकते हैं, और मैं आपका भरपूर रहनुमाई करूँगा, और भरपूर इंशाल्लाह आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। और जिस भाई को मैं जवाब ना दे सकूँ तो उसे मैं रियली सॉरी कहूँगा, क्योंकि हो सकता है कि उस चीज़ के लिए मुझे टाइम ना मिला और मैं सर्च ना कर पाऊँ उसके बारे में, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन जवाब इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को ज़रूर दे दूँ।